हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र पवार, सहायक अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा, विकासखंड रायपुर देहरादून, उत्तराखंड ज्ञानदीप प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछली बार पढ़ा था कि त्रिभुजों की रचना करना, और त्रिभुजों की रचना में हमने एक ऐसे त्रिभुज की रचना की थी जिसमें तीनों भुजाएं दी गई थी, यानी एस 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 प्रतिबंध या एस 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 कसौटी, यानी भुजा 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 कसौटी। उसको उसको हमने उदाहरण की सहायता से समझा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी उसको घर में प्रैक्टिस की होगी। अब उन्हीं के आधार पर त्रिभुजों की रचना के जो एक नया प्रतिबंध है, सर्वांग समता के अंतर्गत जो प्रतिबंध 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 होता है, कसौटी होती है, तो उसके आधार पर एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, उस बारे में हम आज पढ़ेंगे। यानी जिसको हम एस ए एस, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, भुजा कोण भुजा कसौटी या भुजा कोण भुजा प्रतिबंध के रूप को हम आज पढ़ेंगे। उदाहरणों की सहायता से उसको हम समझेंगे। अब हम यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जब दो भुजाओं की लंबाइयां और उनके बीच के कोण की माप दी हो। यानी एक त्रिभुज की रचना एक त्रिभुज की रचना जब जब दो भुजाइयों भुजाओं की लंबाइयां और लंबाइयां और उनके बीच के कोण की माप दी हो, इसको हम एस ए एस कसौटी या एस ए एस प्रतिबंध बोलते हैं। एस ए एस प्रतिबंध, एस ए एस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो इसके लिए हम इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया है कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक त्रिभुज की हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर रचना पी क्यू आर की रचना कीजिए की रचना कीजिए जब जब दिया है कि जब दिया है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश, 60 अंश है। तो अब इसको देखेंगे हम।
ये SAS प्रतिबंध, देखिए ये सवाल से ही हमें पता चल रहा है कि ये SAS प्रतिबंध को प्रतिबंध लागू होता है इस पे, क्योंकि इसमें साइड एंगल साइड यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा है। तो हम जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि इस तरीके के त्रिभुज के रचना करने करने के समय हमें सर्वप्रथम एक रफ आकृति को खींचना पड़ता है। तो अब इसी प्रकार हम एक त्रिभुज पी क्यू आर एक रफ आकृति खींचेंगे। हमने पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कोण पी क्यू आर, तो कोण पी क्यू आर का मतलब ये हुआ कि ये हमारा ये कोण यानी कोण क्यू हमको दे रखा है 60 अंश। ये 60 अंश दे रखा है कोण, और क्यू आर भुजा हमको दे रखी है पी क्यू हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर दे रखा है हमको 5.5 सेंटीमीटर। अब आप इस रफ आकृति को देख रहे होंगे, रफ आकृति को देखने के बाद आपको ये दिख रहा है कि दो भुजाएं यानी कि पी क्यू और क्यू आर भुजाएं, पी क्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण दे रखा है 60 अंश। रफ आकृति पी क्यू आर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर और कोण क्यू 60 अंश। अब हम जब इसको रचना करेंगे तो रचना करते समय सर्वप्रथम 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर खींचते हैं। तो हम सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का 5.5 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर खींचते हैं। इसके बाद क्यू क्यू से एक 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं। 60 अंश का कोण बनाती हुई जो क्यू आर रेखाखंड पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण हमने खींचा। इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि पी क्यू की लंबाई यानी कि अब हम हमारे यहाँ पर एक ये चीज स्पष्ट हो गया है कि जो यहाँ पर बिंदु जो कटेगा, जो हमारे चाप कटेगा, जो हम चाप काटेंगे वो इस किरण पर हमको कहीं ना कहीं कटेगा वो। तो हम क्यू से 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटते हैं जो कि इस प्रकार से किरण पर कटता है, किरण को प्रतिच्छेद करता है। उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम पी नाम देते हैं। इस प्रकार अब हम पी को आर से मिलाते हैं। इस प्रकार ये हमारा पी क्यू आर एक अभीष्ट त्रिभुज है, जिस प्रकार से हमको पूछा गया था, दिया गया था, ये त्रिभुज है। अब इसकी रचना, तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर खींचते हैं। क्यू आर खींचते हैं उसके पश्चात के पश्चात अब
क्यू पर एक किरण क्यू पर एक किरण क्यू पर एक किरण खींचते हैं, एक किरण क्यू पर एक किरण खींचते हैं जो रेखाखंड क्यू आर से 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। अब क्यू को केंद्र मानकर तीन सेंटीमीटर का क्यू को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटते हैं चाप काटते हैं जो किरण किरण पर बिंदु P पर कटता है। P पर कटता है। बिंदु P से R को मिलाया। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट त्रिभुज है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमने इसको ये बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से है। केवल इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें केवल ये है कि इसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा है। तो इसको हमने पहले एक उदाहरण से हमने इस तरह से कर लिया है। अब हम इसको एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण एक समद्वि बाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए रचना कीजिए जिसकी इसकी जिसकी प्रत्येक समान भुजा की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई छह दशमलव 5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच बीच का कोण एक सौ दस अंश का हो।
अब इसमें भी हम देखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 अंश का हो। तो आप देखिए इसको, समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी दो भुजाएं समान है, यानी कि अगर एक भुजा 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसकी दूसरी भुजा भी 6.5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण भी उन्होंने 110 अंश दे रखा है। इसका मतलब यह भी कौन से प्रतिबंध को फॉलो करता है, यानी ये भी SAS साइड एंगल साइड। तो इसी को आप देखिए, सबसे पहले हमने जब त्रिभुजों की रचना कर रहे थे तो हम उसमें ये कह रहे थे कि सबसे पहले हमने एक रफ आकृति खींचनी है, PQR है, मान लीजिए त्रिभुज PQR है। तो हमने इस तरीके का एक त्रिभुज खींचा, रफ आकृति खींच दी P Q और R, और उनके बीच का कोण, यानी कि अगर हमको दो बजाय, अगर ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं समान है और उनके बीच का कोण 110 अंश का एक। तो जब हम इसकी रचना करते हैं पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी प्रकार और पेंसिल की सहायता से, तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार हमने अभी तक करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम हम 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे QR, जिसका हमने नाम दे दिया है QR। तो सर्वप्रथम हम 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड QR खींचेंगे, उसके बाद 110 अंश का, 110 अंश का एक हम कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे, और ये 110 अंश जो होगा वो रेखाखंड QR से बनेगा, यानी कि QR से जो हमारा जो किरण जाएगी वो 110 अंश का कोण बनाती हुई वो किरण जाएगी। अब इसके बाद, जैसा कि हमें पता है रफ आकृति में हमको दिखाई दे रहा है कि PQ जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है, हम अपने स्केल पर 6.5 सेंटीमीटर पटरी और प्रकार की सहायता से लेकर के पेंसिल और प्रकार की सहायता से उस पटरी पर 6.5 सेंटीमीटर नाप करके और उसका एक हम चाप लगाएंगे जो इस प्रकार से कट जाता है, किरण को काटता है। जहां पर ये किरण को काटता है उस बिंदु को हमने नाम दे दिया P। अब हमने P को, क्योंकि हमारे पास 110 अंश का कोण बनती हुई और ये 6.5 सेंटीमीटर पे हमने ये चाप काटा जो बिंदु P पर कटता है, अब हमने P को R से मिलाया। जब हमने P को R से मिला दिया तो आप देख रहे होंगे कि हमें एक त्रिभुज की रचना हो जाती है जो कि त्रिभुज PQR है, और ये त्रिभुज PQR है और आप जान रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे कि इसकी दोनों भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज PQR समद्विबाहु है। तो अब जब हम इसकी रचना के बारे में लिखना चाहेंगे, जब हम रचना करेंगे तो रचना नंबर वन, सर्वप्रथम 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा QR खींचा। Q से एक किरण खींचा जो जो रेखाखंड QR से 110 अंश का कोण बनाती है।
कोण बनाती है? बिंदु Q को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा जो किरण को बिंदु पी पर काटता है। पी को आर से मिलाया, पी को आर से मिलाया, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने अभी आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमने एक ऐसे त्रिभुज की रचना की जिसकी दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण दिया है, यानी कि जो एस ए एस भुजा कोण भुजा कसौटी को पूर्ण करता है, प्रतिबंध एस ए एस प्रतिबंध को लागू होता है, उस तरीके को हमने अभी आपके उदाहरण के माध्यम से सीखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है घर में इस पर अभ्यास करेंगे, पेंसिल पटरी और प्रकार की सहायता से इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।